बहुत जुल्म किया गुंडू ने, इतना जुल्म किया कि काटते रहे, मारकर काटते रहे, छह छह गोली लगाई चोरू ने, ये थाने वाले थे। हम रात को कभी सोते नहीं है, हमें नींद आती है जब ये हमारे बच्चों, ये मेरा भाई जो मारा गया है इसकी आंख निकाली गई है, और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उनकी आंदरे जमीन पे पड़ी थी। मैं यही मांग करता हूँ कि मेरे बच्चों को इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। भाई मारे गए, हमारे दादा दादी मारे गए, हमारे बच्चे मारे गए, तो 20 साल से हमें जो इनका आज तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला, तो हम शाम के 7 बजे का टाइम था, एक आदमी मैंने देखा, उसने कंबल फलेटा हुआ था, थोड़ी थोड़ी बारिश भी बढ़ रही थी, उसके साथ पीछे और एक आदमी था। हम माल मिनेशी को अंदर बन रहे थे, तो मैं बाहर था, तो उसको पूछा कि क्या लौटते हो इधर, कुछ भी नहीं बोला। जब बैल को खोल कर मैं अंदर गया, बाद में देखा तो वो वहाँ से वो गायब हो गया। सिर्फ आधे घंटे थे अंदर साहब जी वो त्याग कर दिया, उन्होंने हमला कर दिया, मेरे बच्चों की हत्या कर दी है। इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ। खाना बना रहे थे और अभी खाया नहीं था, तो अचानक ये हमला कर दिए। मेरे पिताजी मारे गए, माताजी मारे गए, बेटे मारे गए, नू मारी गई, उसके दो छोटे बच्चे, छः छः गोली लगाई गई साहब जी, छः छः गोली। इंक्वायरी की जाए और इंसाफ दिलाया जाए, ये मनीषी कहाँ से आया था, छः छः गोली लगाई, तहस नहस किया हुआ था। छः साल की बच्ची के ये पोटे काटे हुए थे, ये पोटे बड़ों को क्या कहते रहे, दा भी इस्तेमाल की है उन्होंने, ये पिन्नी जो होती है ना, ये काटी हुई थी। बगैर आदमी ने तो कुछ देखा ही नहीं, उनको क्या परवाह थी। मगर मैं अपने बच्चों का बहुत दुख है। फारूक अब्दुल्ला आया से साहब जी, मगर हमको बोलने नहीं दिया, उनके जो इनके खरपैंच है ना चमचे, इन्होंने बोलने नहीं दिया। उसके बाद गवर्नर साहब ही आए, उनके साथ भी हम फरियाद नहीं करने दी, ये बाजार के साहब मारने की धमकी देते थे, डरा धमका का मेरे से जमीन भी ले, कई बार गवाह करने की कोशिश की था यहाँ से बाजार। उस वक्त बहुत बुरी लात थी साहब, आज भी धमकी दे रहे हैं साहब, कौन जो मार है, 20 साल हो गए चल रहा, ये गवर्नमेंट ने कोई इंसाफ नहीं किया, कोई इंसाफ नहीं। अगर हमको मार देते हैं, धमकी देते हैं, तब हमारी कौन करेगा, हमारी कोई नहीं करेगा। छोक मार को मार दिया, ये अपने धंधा करता था, सऊदी अरब जा रहा था सब। इस वक्त मैं यही मांग करता हूँ कि मेरे बच्चों को इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। रेखा देवी 6 साल की थी, राजीव शर्मा ये 4 साल का, 4 साल बीमार था बच्चा, माँ उसको टिक्की खिला रही थी। बहुत जुल्म किया गुंडू ने, इतना जुल्म किया कि काटते रहे, मारकर काटते रहे, छः छः गोली लगाई चोरू ने, ये थाने वाले थे, थाने वाले। 8-10 लाख रुपया मैं खर्च किया साहब, 20 साल चला, कोई इंसाफ नहीं मिला। अगर मुझे किसी ने मार दिया तो ये गवर्नमेंट हमारी जुम्मेवार है। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम रतन लाल शर्मा है, मैं आईडी का रहने वाला था।
ये हुआ था 5 जुलाई 1999 में हमारे घर में ये हादसा हुआ था। तो हमारे घर के 7 आदमी को मार दिया गया था। तो मारने वाले भी हमारे सब लोकल इन्वॉल्वमेंट थी। तो उसमें हमारे भाई मारे गए, हमारे दादा दादी मारे गए, हमारे बच्चे मारे गए। तो 20 साल से हमें जो इनका आज तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला। तो हम हर गली और चक्कर काट रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। हम निस्टू के पास भी गए, गुलाम नबी आज़ाद के पास भी गए, हमें होम मिनिस्टर अडवाणी साहब के पास भी गए। तो हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं हम उनके पास चलते रहे। तो हमारा आज तक कोई भी हमें इंसाफ नहीं मिला। तो हमारे बच्चों को इंसाफ दिया जाए। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं जो मारे गए हैं, उनकी आंदरें भी बाहर थी, ज़मीन पे पड़ी थी। तो बहुत बुरी कंडीशन से हमारे बच्चों को मारा गया और रात का 9 बजे का वाकया था। तो इतने आदमी थे कि वहाँ के हिसाब लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये उस वक्त हमारे जेपी सिंह एसएसपी जेपी सिंह और दूसरे एसएचओ रफीक भी आए थे वहाँ पे। उनने बोला था कि आपके जितने भी कातिल हैं हमारी जेब में, 3 आदमी तो हमने समझो कि हमारे जेब में है, मगर आज तक ना हमने उनकी जेब देखी तो ना कुछ देखा। तो दूसरा नंबर हमारे जितने भी परिवार के जो आदमी मारे गए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। 20 साल से लेकर आज तक हमारे पिताजी जो भी एप्लीकेशन देते हैं तो दूसरे दिन हमारे घर में आकर पथराव हो जाता है। हमें धमकी मिलती है, यहाँ रहना है तो आराम से रहो, नहीं तो आपको हम यहाँ से भी दूर भेज देंगे। तो हम 20 साल से ये केस हम लड़ रहे हैं। हमने ह्यूमन राइट में भी केस को दिया है, मगर वहाँ से हमारे हक में फैसला हुआ। तो हमारे को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये बात बोली थी कि आपके 3 आदमी को हम सिविल डिपार्टमेंट में नौकरी देंगे, तो उसके बाद ये आपको क्लेम मिलेगा। तो हमारे को कोई किसी ने क्लेम ही नहीं दिया। वो भी 2 साल के बाद हमें क्लेम मिला। हमारे 10 लाख से ज़्यादा भी खर्चा हो गया है जो हम केस चलते रहे हैं। आज तक हमने जो केस किया 10 लाख से ज़्यादा हमारा खर्चा हो गया। तो हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। जितने भी लोकल इन्वॉल्वमेंट हैं, चाहे जिसने भी गलत काम किया, अगर हिंदू किसी ने किया या किसी मुसलमान ने किया, हम बोलते हैं उसको इंसाफ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये वो हमें बार बार धमकी दे रहे हैं। इन्होंने 7 लाख रुपया ले लिया। हमारा 10-12 लाख रुपया खर्च हो गया। हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि हमें किस एजेंसी ने काम किया या कि एजेंसी ने किसने काम करवाया। ये जब शुरू में किया इन्होंने बोला आप अपनी फाइल को करो, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हमें बस एक भाई की नौकरी लगी है, वो भी पैसे दे कर लगी है। दूसरे भाई को 6 फरवरी 2009 को जम्मू में मार दिया गया कि वो कम पढ़ा था, मैं पढ़ा था, मगर मेरी फाइल इन्होंने नहीं आगे चलने दी, क्योंकि हमें हिंदू समझ के और मैनाइटिक्स के में गरीब आदमी हैं हम, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। हम 20 साल से चक्कर काट रहे हैं। तो जब भी कोई पुलिस के पास कोई इंक्वायरी आती है हमें कोई नहीं बताते हैं, और गुफिया वो उनको इंक्वायरी को पीछे भेजा जाता है। नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, गुरु नानक जी से भी ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। जो 20 साल से हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिला है, हम रात को कभी सोते नहीं हैं, हमें नींद आती है जब ये हमारे बच्चों, ये मेरा भाई जो मारा गया है इसकी आंख निकाली गई है, और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उनकी आंदरें ज़मीन पे पड़ी थी। तो कुछ लोग हमारे इन इन्वॉल्वमेंट हैं, लोकल हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और हमें इंसाफ गवर्नमेंट दे। हम मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, जो दोनों हाथ जोड़ के हम मनाइटी में हैं और हमारा इंसाफ करें।